उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम ने एनआईएम में पहुंचकर पहले 140 करोड़ की विकास कार्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो वहीं सीएम ने एनआईएम में आयोजित माउंटेनियरिंग समिट 2020 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के हर संभव जो कोशिश है वो की जाएगी। उन्होंने समिट में ये भी कहा कि जहां पर्यटन की संभावना है समिट करने जा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो इसका जो रिजल्ट होगा इस कॉन्क्लेव का, जिसमें हम काफ़ी लोग यहाँ पे आ रखे हैं, उसके यहाँ पे एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा जिसके कि उत्तराखंड में टूरिज्म और स्पोर्ट एडवेंचर स्पोर्ट को काफ़ी प्रोत्साहन मिले। आज बड़ी खुशी हुई मुझे आकर, मैं आज पे ट्रैकिंग एसोसिएशन के मेंबर से बातचीत की मैंने, उनके पॉइंट हमारे पॉइंट एक जैसे ही है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है जिससे कि बिजनेस बहुत बढ़ेगा। एक जुड़ी बात यह है कि इनको हमें पीक खोलनी चाहिए, जो पीक रास्ता रोका हुआ है वो तो खोलना ज़रूरी है। जो फीस चार्ज कर वो माफ़ करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, पब्लिसिटी करनी चाहिए। जब लोग टीवी खोलें तो देखें, गढ़वाल के बारे में बात करें, कुमाऊँ के बारे में बात करें, शहर के बारे में बात करें, ट्रैकिंग की, क्लाइंबिंग की, वो बहुत ज़रूरी बात करें। तभी मैंने कहा कि लोगों की मदद करनी चाहिए लोगों की। यहाँ पर आज तमाम जो पर्यटन पर जिनका अध्ययन है, भविष्य का जो पर्यटन है वो एडवेंचर है और वही फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है। यूएनए ने भी इस तरह की कोई सर्वे किया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। राज्य सरकार ने भी एक एडवेंचर्स के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।